किसान साथियों, मैं ऋतिक कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि सरकार जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है और वह चाहती है कि रासायनिक खाद जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह सेहत के लिए और भूमि के लिए दोनों के लिए ही फायदेमंद है। अगर हम जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी भूमि भी और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो ऐसी ही मुहिम लेके आए हैं अभिषेक धामा, जो दिल्ली के पल्ला गांव में रहते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग का पेशा छोड़ खेती करने का फैसला लिया और उन्होंने गोबर प्लांट लगाया, जिसमें कि उन्होंने जैविक खाद को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेके मैं आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली के पल्ला गांव पे, जहाँ पर फसल क्रांति की टीम ने अभिषेक धामा जी से मुलाकात करी और जाना कि उन्होंने जैविक खाद को कैसे शुरू किया और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहें और आपके साथ हम जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, हाजिर हूँ एक बार फिर से फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पे और आज हमारे साथ अभिषेक धामा जी हैं। अभिषेक धामा जी बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं। अभिषेक धामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप मुझे ये बताइए कि कितने एकड़ की आप खेती करते हैं? हम सर 25 एकड़ में खेती कर रहे हैं अभी जी, और जैविक करने की हमारी पूरी कोशिश है और जैविक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें 14 एकड़ जो हमारा पैच है सब्जियों का, उसको हम जैविक तरीके से कर रहे हैं। बाकी 11 एकड़ को भी अगले साल तक हम जैविक के अंदर कन्वर्ट कर दें। यानी कि आप पूरी खेती जैविक विधि से कर रहे हैं। तो कौन कौन सी फसल आपने लगाई है? फसल जी, हमने 2 एकड़ में बैंगन लगाया हुआ है जी, ब्रिंजल। 2 एकड़ में हमारा लौकी लगी हुई है। 2.5 एकड़ में हमने तोरी लगाई हुई है और 1.5 एकड़ में हमारे पास फूल गोभी, अगेती फूल गोभी की फसल है। और 1.5 एकड़ की हमने पौध तैयार की हुई है। टमाटर की अब रोपाई हम स्टार्ट कर देंगे 2 दिन बाद। और 2 एकड़ में हमारे पास हरी मिर्च है। अच्छा, तो चूंकि YouTube चैनल के माध्यम से हमारे किसान आपसे जानना चाहेंगे जी, कि आप इन जो सब्जियों को लगाए हैं तो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? मार्केटिंग के लिए जी, मेरे नियर बाई में काफ़ी प्राइवेट वेंडर्स बैठे हैं, जैसे कि बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, मिल्क बास्केट, निंजा बास्केट, मदर डेयरी और काफ़ी प्राइवेट वेंडर्स बैठे हैं जो मुझसे मेरे फार्म से डायरेक्ट प्रोक्योर कर लेते हैं। अच्छा, वो मेरे नियर बाई 3 किलोमीटर में बैठे हुए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ, मतलब अपने ट्रैक्टर की मदद से मैं उनके जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वहाँ पे अपना सारा जो प्रोड्यूस होता है वो दे आता हूँ, और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के अंदर उनका ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है। अच्छा। और दूसरा, कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो सीधी में जो मेरी फसल होती है, जो वेजिटेबल मैं कर रहा हूँ, मेरे फार्म से आके सीधा खरीदते हैं। अच्छा जी, तो यानी कुल मिला के कहा जाए तो बहुत अच्छी आमदनी आप क्रिएट कर रहे हैं इस फसल से। जी, चलिए ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि आप बायोगैस प्लांट भी लगाए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ताकि हमारे देखने वाले किसान भी इसको लगा सके। जी, आइए। तो आइए सर, देखते हैं। तो अभिषेक जी, आप, मैं जानना चाहूँगा कि ये बायोगैस प्लांट आप लगाए हैं, थोड़ा सा एक एक चीज़ को आप विस्तार से बताते हुए चलिए। ये जी, मैंने 32 घन मीटर का बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है जी। ठीक है जी, इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक सब इनलेट बनाया हुआ है, ऊपर एक इनलेट बना हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका डाइजेस्टर है जी। ठीक है जी, ये 5 फीट किसकी हाइट है और 9 फीट ये गहरा अंदर ज़मीन में। ठीक है जी, तो यहाँ से हम अपना सब इनलेट से अपना गोबर एक पंखे और मोटर के द्वारा अपने मेन इनलेट में चढ़ाते हैं। सब इनलेट बनाने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा इनलेट है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर हो गया, तो मैन पावर घटाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत जो किसानों को फेस हो रही है वो है मैन पावर जी। तो उस मैन पावर को हटाने के लिए मैंने एक ही अपने जंक यार्ड से एक मोटर और एक पंखे का यूज़ करते हुए ये जो हो जाए जो ये सब इनलेट मैंने बनाया है, यहाँ से सीधा मैं अपना एक मोटर के द्वारा अपना सारा जो गोबर है वो अपने मेन इनलेट तक पहुँचाता हूँ, जिस मेन इनलेट से वो सारा गोबर मेरे डाइजेस्टर के अंदर चला जाता है। अच्छा। सेम प्रोसीजर जैसे आप ये देख रहे हैं, इधर ये आउटलेट बना हुआ है, आउटलेट में सारा जो बायोगैस स्लरी है वो इकट्ठा होती है, और इकट्ठा होने के बाद उसको भी मैंने एक सेम मोटर और पंखे से कपल किया हुआ है, जिससे कि वो सीधा पाइप के थ्रू ट्रॉली के अंदर हमने एक टैंक रखा हुआ है पानी का, जिसके अंदर हम उसको डाल के सीधा अपने खेतों तक ले जाते हैं, और जहाँ भी हमारा वाटर का पानी का सोर्स होता है फ्लड इरिगेशन के थ्रू, वहाँ उस टैप को खोल के और पानी और बायोगैस स्लरी का मिक्स होके पूरे खेत के अंदर चला जाता है। अच्छा, इसको बनाने में आपकी पूरी लागत कितनी आई है? देखिए जी, इसको मेरी पूरी बनाने में लागत करीब 3-3.5 लाख के आसपास आई है। अच्छा जी, लेकिन अगर किसान इसको छोटे में शुरू करना चाहे तो कितना? देखिए जी, छोटे में जिस हिसाब से
प्लांट का साइज घटता जाएगा उस हिसाब से किसान की इन्वेस्टमेंट घटती चली जाएगी। मैंने इस प्लांट के ऊपर कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं ली है, ये पूरा मेरे अपनी पॉकेट से लगा हुआ है। अच्छा। किसान अपने जो और किसान वीडियो देख रहे हैं वो अपने केवी के सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं और वहाँ बायोगैस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और वहाँ उनको कितना अनुदान उसके अंदर कौन से स्टेट में कितना अनुदान है उसकी जानकारी भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस गोबर गैस प्लांट से घरेलू यूज़ के लिए गैस भी निकलता है तो क्या उसका उपयोग करते हैं? देखिए जी, पिछले 14 महीने से हमने एलपीजी सिलेंडर को देखा भी नहीं है कैसा होता है जी। 14 महीने से हम अपना ये बायोगैस की गैस को यूज़ कर रहे हैं फॉर कुकिंग पर्पस जी। और अपना पशुओं का खाना बनाने के लिए और सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं जी। और बाकी आगे औषध सुगंधित पौधों की खेती मैं करने जा रहा हूँ, जरेनियम, कैमोमाइल और इस तरीके की जिसका एसेंशियल ऑयल निकलता है, तो उसके लिए एक डिस्टिलेशन प्लांट लगता है, आश्वन क्रिया जिसको हम कहते हैं जी, जी। उसको भी मैं बायोगैस पे लगाना जा रहा हूँ। अरे वाह जी। तो अभिषेक जी, देखा ये जा रहा है, अक्सर विडंबना हमारे समाज की ये है कि किसान ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में केमिकल्स की ओर भाग रहे हैं, और आप किसानों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं। कितने युवा होने के बाद आप जैविक खेती की ओर मुड़ रहे हैं, पुरानी पद्धति की ओर मुड़ रहे हैं जी। तो ऐसे किसानों से क्या कहना चाहेंगे जो केमिकल? देखिए, किसानों से मेरा एक ही निवेदन है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे खेतों के अंदर 2 या 3 कट्टे यूरिया डालते थे धान की फसलों के अंदर, इस साल वो संख्या 6 कट्टों तक बढ़ गई है। तो मैं बस किसानों से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आज से 5 साल बाद क्या वो 10 कट्टे डालेंगे, या उससे 10 साल बाद क्या वो 20 कट्टे डालेंगे, और 20 कट्टे डालने के बाद वो खेत से निकालेंगे क्या? क्योंकि जो MSP आप देखते हैं धान की 20 रुपये बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है, पर एक कट्टे के साथ यूरिया के साथ किसान के 300 रुपये बढ़ जाते हैं जी, जी। दूसरा, ये जो केमिकल जो जहर जो यूज़ कर करके हमने अपनी धरती माता को बीमार कर दिया है, उसकी वजह से जहाँ हम 100 साल जीते थे आज हमारी उम्र 50 साल भी नहीं बची है कि हम 50 साल भी जी लें। 50 साल भी जो लोग जीते हैं वो भी शुगर, BP और कम से कम 10 गोलियाँ खा के 50 साल पकड़ते हैं, तो क्या फ़ायदा उस जहर को खाने का और लोगों को खिलाने का? कुछ ऐसा है, हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अपने पूर्वजों से सीख सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और खेती को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ उसे होना था जी। मतलब कि खेती को व्यापारिक तौर पे, व्यापार के तौर पे शुरू कर सकते हैं। देखिए जी, खेती को व्यापारिक तौर पे भी, और थोड़ा सा अगर उसको हम देखें तो प्रकृति से जुड़ने का एक ये बहुत अच्छा माध्यम है, जो हम अपनी नेचर, मदर नेचर या धरती माँ जो हम बोलते हैं, उससे हम जुड़ सकते हैं और जुड़ के हम वो प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं जी। मेरा मानना ये था, और थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर में मेरा मन था, तो देखा मैंने लोग जहर, कितना जहर खा रहे हैं, क्या क्या बीमारियां उनको हो रही है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने भी बहुत सोचा जॉब करने का, फिर थोड़ा 1-2 साल रिसर्च की तो देखा 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर 40 साल तक पैसे कमा के डॉक्टर के पास ही दे के आने हैं तो क्या फ़ायदा उस नौकरी का? जी, जी। उससे अच्छा तो कुछ ऐसा करते हैं कि जो जिससे हम, हमारी आने वाली जनरेशन और हमारा देश बस स्वस्थ रहे। स्वस्थ है, बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा सा विडंबना ये भी कह सकते हैं या लोगों की सोच कह सकते हैं किसानों का, किसान ये सोचते हैं कि केमिकल्स डालने से उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है जैविक की अपेक्षा, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए जी, मेरा तो जो पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का रहा है और जो किसानों 40 साल से खेती कर रहे हैं, देखिए मैं उनको तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ आप 1 कट्टा यूरिया डालते हैं वहाँ आप 1 किलो यूरिया का अपनी फसल में स्प्रे करें, अगर 1 कट्टे से ज़्यादा रिजल्ट ना आए तो आप मुझे बताएं। अच्छा, ये तो टेक्निक है केमिकल की जी। ठीक है जी, क्योंकि जो हरित क्रांति के बाद जो होता रहा है, जो ब्रॉडकास्ट जो तरीका है, जो बखेरने का, जो खाद बखेरने का जो तरीका है, लोग उसी पद्धति पे काम करते आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो ट्रेडिशन चलता जा रहा है या जो ये काम हम कर रहे हैं इसको समय के साथ बदलना चाहिए। चलिए, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो गोबर की आपूर्ति है जी, इसके लिए पशुपालन भी आप किया है? देखिए, पशुपालन मैंने नहीं किया हुआ है, मेरे आसपास बहुत पशुपालन हो रहा है जी, काफी गौशाला है और पास में कई डेयरीज हैं जिनके लिए गोबर एक हेडेक है जी, उनके लिए वो हेडेक है, मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है। अरे वाह, मेरी गैस के लिए, मेरे खेतों के लिए, तो उनसे मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे वो बायोगैस जो गोबर है वो मुझे मिल जाता है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जो भी माध्यम है हम लाके यहाँ इसमें डाल लेते हैं और उससे अपना बायोगैस चलाते हैं, घर में गैस यूज़ करते हैं, महीने का 5-6 हज़ार का गैस का खर्च बचा हुआ है और
कई हजारों का खाद का खर्चा बचा हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करता हूँ किसान इस वीडियो को देख के जरूर कुछ सीखे होंगे कि देश के होनहार युवा भी खेती में आ रहे हैं और जैविक खेती कर उत्पादन बढ़ा रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने अमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया जी।